भाई क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या विधायक बनना चाहते हैं, या फिर विधायक से सीधा मंत्री बनना चाहते हैं, या फिर चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक बन भी चुके हैं, लेकिन अपनी पिछली जीत को इस बार फिर से बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन समझ से परे है कि कैसे कैसे अपने आप को चुनावी मैदान में जीरो से हीरो बनाए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए गजब की चीज़ आपके लिए लेकर के आई हूँ, एक जादू की छड़ी आपके लिए लेकर के आई हूँ कि जिसको घुमाओगे तो सब समझ में आ जाएगा कि बाबा करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ तक इसको लेकर के जाना है। इस जादू की छड़ी के जादूगर जो है रविंद्र बिश्नोई जी मेरे साथ हैं। सर स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। वेलकम एंड थैंक यू मैम। अच्छा ये बताइए, सच में क्या ये पॉसिबल है कि चुनाव जो है कोई टीम आकर के किसी को लड़वा दे, जितवा दे और किसी को विधायक बनवा दे? मैम ये पॉसिबल है, हो भी चुका है। अगर आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखेंगे, 2014 में से ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी, डिजिटल क्रांति जिसे हम कहते हैं जी। तब से हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बड़े लेवल के ऊपर, चाहे वो जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो उनकी पूरी टीम होती है, कैंपेन टीम, सर्वे टीम, जो मिलकर काम करती है अपनी जीत को निश्चित करने के लिए। तो क्या कुछ मतलब क्या क्राइटेरिया इसका रहता है, किसके लिए जो है आप काम करते हैं, किसे की सपोर्ट करते हैं, क्राइटेरिया बेसिकली क्या रहता है? हम इसमें क्राइटेरिया सिंपल है, अगर आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप हरियाणा विधानसभा में पहुंचें, और अगर आप चाहते हैं कि करंट में आप MLA हैं और दोबारा अपने MLA की सीट को बरकरार रखना चाहते हैं जी, तो हम उनके लिए पूरा प्लान करके देते हैं, पूरी स्ट्रेटजी प्लान करके देते हैं, डे ऑन डे, वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर, प्लस उनका पूरा जो इलेक्शन का जो कैंपेन होता है वो कंप्लीट इलेक्शन प्लान करके देते हैं। इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी चीज़ें होती है, एक अपने आप को सर्वेस के अंदर ऊपर उठाना, दूसरा लोगों से मिलना, चाय पीना, किस किस तरीके से लोगों के घरों में गाँव में घुसना है, क्या वो सब भी प्लान करके देंगे? मैम हम जो हमारी टीम है वो आपके जो पॉलिटिकल इमेज है उसको कैसे ऊपर लेके जाना है वो उसका काम करके देती है, बूथ मैनेजमेंट करके देते हैं, आपके डोर टू डोर सर्वे, प्लस आपका जो फील्ड का सर्वे है वो हम करके देते हैं इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए, पार्टीज़ के लिए वो हम करके देते हैं। करंटली अगर मैं बात करूँ, इस वक्त हरियाणा में मेरे 300-350 एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो पूरे हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर सर्वे करने लग रहे हैं, ताकि वो हम पता कर सकें किस जगह पे कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, किसका झुकाव कम है, किसका झुकाव ज़्यादा है, कौन सा कैंडिडेट का झुकाव ज़्यादा है, कौन सा कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट बनने वाला है जी। और अभी आपने जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपने देख भी लिया है कि अभी जो भी बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट लेवल एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, वो चाहती है कि जो चुनाव में वो जिसको टिकट दे वो एक जिताऊ फेस हो, वो एक विनिंग फेस हो, और विनिंग फेस कैसे होगा, कौन है, वो एक चुनावी सर्वे जो होता है हमारा पॉलिटिकल सर्वे, उसके थ्रू वो निकल के आता है। तो जब तक वो पॉलिटिकल सर्वे जब निकल के आता है तो आपको पता लगता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो आप लीडरशिप में बैठे हैं सीनियर में कि इस एरिया में, इस विधानसभा में कि ये कैंडिडेट हैं जो जीतने वाले फेसेस का रखते हैं, जिन पर हम बैट कर सकते हैं, हम वो सर्वे करवा के देते हैं। प्लस आपको वो फेस कैसे बनना है कि जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी सर्वे टीम कोई सर्वे करवाए आपका नाम नीचे से लेके ऊपर तक टॉप टूज में कैसे पहुंचेगा, उसकी पूरी प्लानिंग करके हम देते हैं। जीरो से हीरो तक की, जीरो से हीरो तक का सफर। चलिए, और इसके लिए अगर बात करें जैसे आप लोकसभा चुनाव के आपसे कर रहे थे, तो क्या इस टाइम भी आपने किसी के लिए कैंपेनिंग की है? मैम हमने अलग अलग पार्टीज के लिए कैंपेन की है, हमने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ऑलमोस्ट, मैं जब पिछले 7-8 साल से हम ये काम कर रहे हैं जी। और मैं अगर मैं बात करूँ तो हम ऑलमोस्ट हर एक नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, आम आदमी पार्टी हो, NOLA हो, JJP हो, या फिर अकाली हो, इसके किसी ना किसी कैंडिडेट के लिए या किसी ना किसी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम हम कर चुके हैं। तो किसी चेहरे का नाम भी ले सकते हैं जिसके लिए मैम? एक्चुअली हमारे ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर हम किसी कैंडिडेट के लिए प्रॉपर नाम काम करते हैं तो हम उसका नाम मार्केट में हम कहीं ओपनली नहीं लेते हैं, ये कैंडिडेट की इमेज को भी इफेक्ट करता है कि भाई हमने उसके लिए इफेक्ट किया। तो हम हमारे साथ जो भी कैंडिडेट जुड़ता है वो हम 100% सिक्योरिटी के साथ कि हमें इसका नाम कहीं मार्केट में कभी नहीं आएगा फ्यूचर में, या हम एज ए रेफरेंस कभी यूज़ नहीं करेंगे जब तक कैंडिडेट ना चाहे। ठीक है,
जब तक कैंडिडेट ना चाहेगा, कैंडिडेट चाहता है कि हमने उसके लिए काम किया है पर मार्केट में ये न्यूज़ नहीं जानी चाहिए, तो हम पे ट्रस्ट कर सकता है, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में आता है कंपनी के। नाम तो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, जो खर्चा है इसके पीछे, क्योंकि देखिए आप भी काम करेंगे किसी के लिए, आपकी टीम जो है वो आपने बताया 350 लोगों की टीम है, आपकी टीम काम करेगी तो खर्चा तो उसके लिए जरूर लगता है, तो खर्चा जब भी खर्चे की बात करें, हर एक काम का अलग अलग इंडिविजुअल खर्चा होता है जी। जब भी हम किसी कैंडिडेट से मिलते हैं, कोई कैंडिडेट हमें अप्रोच करता है अपने काम करवाने के लिए, तो हम उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसको हम पूरा प्लान बताते हैं, स्टेजेस बताते हैं, किस स्टेज पे कितना फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है, वो सब कुछ उसे डिस्क्लोज किया जाता है। आप इलेक्शन लड़ने से पहले या शुरू होने से पहले बता देंगे कि फाइनेंशियली कितने एक्सपेंस की जरूरत है? जब भी हम किसी से कोई डील करते हैं या कोई कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उससे पहले हम उसका पूरा प्लान, रोजो प्लान होगा विद बजट, उसको हम पेश करते हैं, कहते हैं, या फिर बजट अप्रूवल के लिए उसके से हम डिस्कस करते हैं। जब तक कैंडिडेट का फाइनल अप्रूवल नहीं आता, हम कुछ भी स्टार्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, वो रूम सेटअप उसके लिए करके देते हैं, वो रूम सेटअप का मैम सेटअप क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली अब भी अगर हम किसी भी इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्शन के दो फेज होते हैं मैम। पहला फेज होता है जब आप किसी भी पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी पेश करते हैं। जो भी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ, हरियाणा विधानसभा की बात करूँ, तो जो 90 विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा के अंदर, इसमें हर एक पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी इलेक्शन की इच्छा रखते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना है, तो हम अप्रोक्स ऑन एन एवरेज हर सीट के ऊपर 10-10 कैंडिडेट मिनिमम, मैं कम से कम बता रहा हूँ, लिस्ट लंबी हो गई है, पर मिनिमम 10 कैंडिडेट इच्छा रखते हैं कि ऑफिशियली वो अपना नॉमिनेशन भी देते हैं कि हमें इस एरिया की टिकट की दावेदारी अपनी पेश करते हैं जी। जो फर्स्ट फेज है, उस जब वो दावेदारी पेश करते हैं, तो उस दावेदारी से लेके टिकट बटने तक का जो ड्यूरेशन है, जो नेक्स्ट 90 डेज बचे हुए हैं, उसमें उसकी कैंपेनिंग प्लस उसकी स्ट्रेटजी, बूथ वाइज प्लानिंग, उसकी सोशल मीडिया, उसकी डिजिटल मार्केटिंग, सब कुछ हम उसको प्लान करके देंगे, उसे कंटेंट राइटिंग उसका, प्लस अगर आप करंट MLA हैं, तो जो आपने काम किया अपने एरिया में, कैसे आप लोगों को विजुअली दिखाएंगे, कैसे विद ए मैसेज कन्वे कर रहे हैं, या फिर आप MLA करंट नहीं है पर आप MLA बनने की इच्छा रखते हैं, और तो जो वो अपने एरिया के कैसे जो इश्यूज हैं, उसको कैसे वीडियो के थ्रू, कैसे वीडियो मैसेज के थ्रू आप अपने वो वोटर्स तक पहुंचा सकते हैं, वो हम पूरा उसको प्लान करके देते हैं। जो भी उसके लोकल मुद्दे होते हैं, वो हम प्लान करके देते हैं। हरियाणा में कहावत है कि हर दूसरे गली में राजनीति चेंज हो जाती है, हर मोहल्ले की राजनीति अलग होती है। तो जो हम बूथ वाइज हम बात कर रहे हैं, या डोर टू डोर सर्वे फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जो हम प्लान करके देते हैं, जो हमारी राजनीति की जो रणनीति बना के देते हैं हम कैंडिडेट के लिए, वो हर एक मोहल्ले के हिसाब से बना के देते हैं। ओके, ये एरिया है, इसमें इस टाइप के कैंडिडेट को सपोर्ट चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे प्लानिंग। हम सेम प्लान हर जगह इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग ही उसका प्लान बनाया जाता है, तभी हमारे जो सक्सेसफुल का जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। मान के चलिए कि कोई कैंडिडेट है या कोई भी व्यक्ति है जो चुनाव लड़ने का इच्छुक है, और वो चाहते हैं कि भाई मेरे पास मेरी टीम है, मेरे खुद के दोस्त हैं, अपना परिवार है, या जो भी मेरे वर्कर्स हैं, काम करने वालों की मेरे पास कमी नहीं, बट आई वांट अ प्लान, सफिशिएंट प्लान जो मेरे को विधायक या मंत्री बना दे। सो क्या सिर्फ प्लान के लिए भी आप लोग जो है किसी को हेल्प करते हैं? हाँ जी, हम हर तरह से हेल्प करते हैं। जो आपसे अभी आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि हमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए मेरे खुद की एक पर्सनल टीम है, मेरी फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे डोर टू डोर करवाने के लिए मेरे खुद के सपोर्टर्स हैं, मेरी फील्ड में सर्वे करवाने के लिए मेरे खुद के सपोर्टर्स हैं, पर मुझे एक खाली आप एक प्लान ला के दे दो जिसपे मेरी खुद की टीम काम करेगी, तो हम उनको एक सर्वे करवा के एक पूरा प्लान प्रेजेंट कर देते हैं कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग, या आपके जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम सब कुछ टेक केयर करेंगे, आप हमें गाइड कर दीजिए, तो हम उनको पूरा नेक्स्ट 90 डेज का पूरा एक प्लान, वीक ऑन वीक प्लान बना के देते हैं, ताकि कैंडिडेट उसको फॉलो करके अपने सक्सेस को कहना सिक्योर कर सकता है। चलिए देखिए, जब से मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं हर चीज जो है वो खर्चे से जुड़ जाती है, राइट? और खर्चे के बिना मुझे भी पता है कि राजनीति हो नहीं सकती, नहीं हो सकती, लेकिन एक मिनिमम बजट, क्योंकि हर कोई उतना अमीर भी नहीं है या हर कोई फाइनेंशियली उतना स्टेबल भी नहीं है, अगर मिनिमम बजट की बात करें तो कितने मिनिमम बजट में प्लान करके आप किसी को दे सकते हैं? प्लान करके बात करें तो मीन्स ये, अगर आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और किसी का बजट बहुत कम है और हमसे खाली एक प्लान की डिमांड करते हैं, तो मैं ये मान के चलिए जो हमारी सर्विसेज हैं वो 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि हम उसको एक प्लान बना के दे देते हैं, ताकि जिससे वो फ्यूचर में एक MLA की पोजीशन तक पहुँच पहुँचे। टीम बढ़ जाती है तो फिर ये खर्चा कितने तक एक्सपेंड हो सकता है? ये खर्चा ऐसा मैम, आप कितना भी खर्चा करिए, इलेक्शन कैसा होता है आपको पता है, जब जीत की जिद आ जाती है कैंडिडेट के मन में, तब वो खर्चा नहीं देखता, वो जिद की तरफ जाता है कि मुझे जीतना है तो जीतना है, जिद है तो जीत है।
हरियाणा में बहुत महंगे महंगे भी इलेक्शन हुए हुए हैं और सस्ते भी इलेक्शन हुए हुए हैं। अगर मैं पिछले विधानसभा की बात करूं, हमारी सिरसा विधानसभा की बात करूं, वो सबसे महंगा इलेक्शन में गिना जाता है। तो वही कहता हूं, सस्ते की बात करूं तो बहुत एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली जब मुझे याद है, मध्य प्रदेश में एक इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे एक MLA बने थे, जब उनको शपथ लेने जाना था तो उनके पास खुद की गाड़ी भी नहीं थी कि वो जाके शपथ ले सके। रिसेंटली MP की बात है, आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही हर जगह मैटर करता है। अगर आपके पास पैसा कम है पर आपको खाली प्लानिंग चाहिए तो हम वो भी हम हेल्प करके देते हैं। चलिए, अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है, क्योंकि देखिए भाई आज के ज़माने में और खासतौर से इस मौके पर, क्योंकि इस वक्त तो जो है चुनाव की बाढ़ आई हुई है, हर कोई इस पानी में डुबकी लगाना चाह रहा है, तो आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से कर सकते हैं? मैम, आपका जो मेरा नंबर है 7738000450 पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पे आप चला भी देंगे स्क्रीन पे चला भी देंगे नंबर। मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा, जो भी इलेक्शन लड़ने का है, जो ये इलेक्शन है इसमें जो सेकंड आता है, जैसे अगर हर एक, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया फर्स्ट थी, साउथ अफ्रीका सेकंड थी, तो सेकंड को भी ट्रॉफी मिली थी, प्राइज मनी मिली थी। पर जो इलेक्शन है, जो हमारी कंपनी की टैगलाइन भी है, जो मेरे खुद के विजिटिंग कार्ड के ऊपर भी टैगलाइन लिखी हुई है, देयर इज नो सेकंड प्राइज फॉर लूजिंग एन इलेक्शन, जो मेरा खुद का एक ठोट भी है कि चुनाव में हारने वाले को या जो चुनाव में दूसरे नंबर पे आता है उसके लिए कोई प्राइज मनी नहीं होती है, कोई पुरस्कार नहीं होता है। बिल्कुल वाकई, जो हमें जो हम प्लानिंग करके देते हैं वो हम इसी वजह से प्लानिंग करके देते हैं कि वो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाए। वेल, बहुत अच्छे ढंग से आपने ये बात कहा है कि भाई हार का कोई पूरक नहीं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो चुनाव में हार को वापस जो है उसकी कसक को मिटा दे। वेल, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्या कुछ और मैसेज जो है आप मेरे दर्शकों को देना चाहिए? एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जो भी हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, कि अगर आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं तो मैं बता देता हूं कि बहुत ही कम समय बचा है। आप जितनी जल्दी हमसे कनेक्ट करेंगे उतनी जल्दी ही हम आपकी जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे, कि जो चुनाव का जो समय है, जो 90 दिन का जो समय है, उसमें हमें इस वे से प्लान करना है आपके लिए कि आप जो करंट बैठे हैं और आप अपनी टिकट की जो दावेदारी है टॉप 5 में या टॉप 2 में भी कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए प्लान करने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए, हमसे कनेक्ट कीजिए। धन्यवाद। कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं? कोई मोबाइल नंबर, कोई चेक नंबर? आप मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं जी, 7738000450 जो आप स्क्रीन पे भी चल रहा होगा हमारा नंबर। आप हमसे फोन करिए, हम जरूर मिलेंगे आपसे। आप हमसे टाइम लीजिए या हम आपसे मिलने आएंगे जहाँ पे भी हमारी बात होगी। और मजे की बात पता है क्या है, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक मंत्री बनना चाहते हैं, तो इस नंबर पर कॉल करने के पैसे नहीं लगते हैं। yes, प्लान लेने के पैसे लगते हैं, लेकिन इनसे बात करने के, सजेशन लेने के, कि भाई किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस बात का कोई पैसा नहीं है। और वैसे भाई राजनेताओं के लिए, चुनाव लड़ने वालों के लिए पैसे की कमी भी कहां है। तो भाई ये वीडियो यहीं तक। हाँ, फिर से बता दूं कि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल ढंग से जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो एक बार जो है आप रविंद्र बिश्नोई जी से कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। और हाँ, जुड़े रहिएगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।